देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म का दर्द और सूजन दूर हो जाती है। मूली का रस पीने से पित्त की पथरी बनना बंद हो जाती है। बच्चों में पेट के कीड़े खत्म करने के लिए कलौंजी पानी में उबालकर इस्तेमाल करें। जो औरतें चेहरे पर निखार लाना चाहती हैं वह दूध में एक सेब डालकर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म हो जाती है। हल्दी भूनकर उसके ऊपर शहद लगाकर चाटने से जुखाम खत्म हो जाता है। दिन में सिर्फ दो खीरे खाने से मोटापा तेजी से कम होने लगता है। अगर आपको मैदे की कमजोरी हो तो सागूदाना बनाकर सुबह शाम खा लें। कुछ दिन इस्तेमाल करने से मैदा दुरुस्त हो जाएगा। लहसुन के रस में नमक डालकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। गुनगुना पानी पीने वाले लोग हमेशा जवान नजर आते हैं। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होता है। दही ज़्यादा खाओ, झुर्रियाँ कम हो जाएंगी। जैतून का तेल उंगली पर लगाकर कान में लगाने से सुनने की ताकत बेहतरीन हो जाती है। दांत साफ करने के लिए आग की राख को अपने दांतों पर मसल लो। आपके दांत दूध जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। मुंह से बदबू आती हो तो लौंग चबाओ। बगैर दूध के चाय पीने से मोटापा कम हो जाता है। अगर आपके कान में पानी चला जाता है तो मुंह पर हाथ रखकर जोर से फूंक मारें, कान से पानी बाहर निकल आएगा। चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाओ, चेहरा फूल की तरह निखर जाएगा। गुड़ का शरबत पीने से मोटापा नहीं आता। रोज़ाना गेहूं की रोटी का इस्तेमाल किया करो, इससे आपका मैदा हमेशा मजबूत रहेगा। मैदे की तेजाबियत का मसला हो तो रोज़ाना अदरक का एक टुकड़ा खाया करो, दिक्कत दूर हो जाएगी। चावल खाने के बाद दूध कभी मत पीना, इससे पेट खराब हो जाता है। प्याज का रस निकालकर चेहरे पर लगाओ, चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। प्याज का अचार खून की कमी को दूर करता है और जिस्म के जहरीले मादे को ख़त्म करता है। खट्टी चीज़ें बंदे को जल्दी बूढ़ा करती हैं, पिट्ठों के लिए नुकसानदेह है और बदन को दुबला पतला करती है। अनार, खजूर और बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान नजर आती है। दूध फट जाए तो बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि फटे हुए दूध से खोया बना लें। लाल मिर्च दिल के दौरे से बचाती है और काली मिर्च हाजमा सिस्टम ठीक करती है। जौ, चने और मक्की का आटा मिलाकर खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। लहसुन को जलाकर शहद और सिरका में मिलाकर लगाने से फोड़े फुंसियाँ दूर हो जाती हैं। अमरूद खाने के बाद फौरन पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैजे का खतरा है। याद रखिए, आपके पेट की आधी से ज़्यादा बीमारियाँ आराम से और आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने से ख़त्म हो जाती हैं। अगर हमेशा जवानी चाहते हो तो जब भी गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाएं। ज़्यादा गुस्सा करने वाले के चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नमूदार होने लगते हैं। बदन को ताकत देने वाली चीज़ों में भैंस की हड्डियों का गूदा, बकरी का दूध और बकरे का गोश्त फ़ायदेमंद है। अगर अचानक पेट के दर्द की दिक्कत हो जाए तो गुनगुने पानी में काला नमक डालकर पीने से फौरन आराम आ जाता है। हाथों पैरों पर एलोवेरा लगाने से रात को मच्छर नहीं काटते। कोहनियों पर माल्टे का छिलका रगड़ने से मेल साफ हो जाता है। सफ़र पर जाने से पहले पुदीने की डंडियां चबाने से उल्टी और मतली की दिक्कत नहीं होती है। सुबह खाली पेट नींबू और पुदीने का पानी पीने से मैदा कभी ख़राब नहीं होता है। गर्म पानी पीने से घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर नाक बहता रहता है तो अदरक की भाप लेने से नाक बहना बंद हो जाती है। अगर आपका पेट बढ़ रहा हो तो कच्चा फालसा रोज़ाना खाने से कुछ दिनों में पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। कद्दू खाने से चेहरे की रंगत निखरती है। खजूर और दही एक साथ खाने से छाती साफ़ रहती है, बलगम नहीं आता और गला साफ हो जाता है।
दूध में कलौंजी के दो दाने डालकर पीने से इंसान के जिस्म के अंदर ताकत आती है। चावल खाकर फौरन दूध पीने से काली खांसी हो जाती है। अगर सीने में जलन हो तो केला खाएं। जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं उनके लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मिश्री एक कप पानी में उबाल कर बच्चे को खिला दें, इंशाल्लाह वो खाना पीना शुरू कर देगा। अगर खुश्की से आवाज़ बैठ जाए तो 7 बादाम, 7 काली मिर्च और मुनासिब चीनी मिलाकर चाटें, आवाज़ सही हो जाएगी। गर्म दूध में जाफरान शामिल करके पीने से सीने की बलगम ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा नमक खाने से दिल कमज़ोर हो जाता है और पिट्ठों में दर्द बैठ जाता है। शलजम भूख को बढ़ाता है और सूखी खांसी में फ़ायदेमंद है। रोज़ाना सोने से पहले जैतून के 2 दाने 1 गिलास दूध के साथ खाने से बवासीर से निजात मिल जाती है। शहद को सिरके में मिलाकर खा लें, आपके दांत हमेशा मजबूत रहेंगे। कलौंजी का रस दही में मिक्स करके बालों में लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होंगे। खाने के साथ हरी मिर्ची खाओ, नज़र तेज़ हो जाएगी। खानों में काले जीरे का इस्तेमाल मैदे और आंतों की बीमारियों से बचाता है। तरबूज हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों से दूर रखता है। आवाज़ बैठ जाए या गला ख़राब हो जाए तो गुड़ वाले चावल खाया करो। लौंग को ठंडे मौसम में खाना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। हाजमा ठीक रखने के लिए खाने के बाद ताज़ा अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लें। चुकंदर के पत्तों को उबाल कर उसके पानी से सर को धोने से सर की खुश्की ख़त्म हो जाती है। रात को कम खाने से मोटापा कम होता है। अदरक को घी में तलकर खाना बलगम और दमे से बचाता है। दही खाने से डिप्रेशन और दिमागी दबाव से छुटकारा मिलता है। सुबह खाली पेट रोज़ाना 1 सेब खाने से कब्ज़ दूर हो जाती है। शुगर मेथी दाने के इस्तेमाल से ठीक हो जाती है। खांसी को रोकने के लिए नींबू के रस में लौंग का पाउडर मिलाकर पी लें। अगर उल्टी और मतली आती हो तो आधे नींबू का रस, जीरा और इलायची दाना पानी के साथ पी लें। पुदीने का कहवा रोज़ाना सुबह शाम 1 प्याली पी जाएं, इससे मैदा ठीक रहता है। गुर्दों की सफाई के लिए तरबूज और धनिए का जूस पिया करें। अगर बच्चों के पेट में दर्द है तो कुछ दाने पुदीने के बीज चबाने के लिए दें, इंशाल्लाह दर्द में फ़ायदा होगा। दांत खट्टे हो जाएं तो बादाम खाएं, इससे खट्टापन दूर हो जाएगा। गुर्दे की पथरी ख़त्म करने के लिए पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे पथरी टूट कर गिर जाएगी। दांतों से खून रस्ता हो तो टमाटर का रस पीने से फ़ायदा होता है। केले के साथ लस्सी पीने से मैदे में दर्द होने लगता है। मछली और अंडा एक साथ खाने से जिस्म में गर्मी हो जाती है। खाना खाकर फौरन सो जाने से कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। गर्मी में बाहर से आकर एकदम से बिल्कुल भी ना नहाया करें। दूध के साथ खट्टी चीज़ मत खाएं, वरना नुकसान हो सकता है। दही को कभी भी गर्म रोटी या गर्म चीज़ के साथ मत खाएं। उबले हुए पानी के साथ दवा लेने से दवा जल्दी असर करती है। अगर जिस्म और चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो सब्जी के सालन का ज़्यादा इस्तेमाल करो। करेले की सब्जी हफ्ते में 2 बार खाएं, इससे चेहरे की स्किन साफ़ रहती है। पालक का ज़्यादा इस्तेमाल कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है। अगर टांगों या जिस्म में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाएं, ये इसका बेहतरीन इलाज है। जो लोग वज़न तेज़ी से कम करना चाहते हैं वो पालक का इस्तेमाल करें। लटकी हुई खाल और चेहरे की झुर्रियों के लिए अनार का इस्तेमाल करें, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नज़ला ज़ुकाम दूर करने के लिए शरीफा सबसे बेहतरीन फल है। आवाज़ बैठ जाए तो अदरक का रस और शहद मिलाकर चाट लें। शहद में जीरा मिलाकर चाटने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। खाना खाने के बाद 1/2 चम्मच सौंफ खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर
मालिश करने से शरीर की खारिश खत्म हो जाती है। गुलाब का इतर या जो भी आपको पसंद हो वो खुशबू रात को सोने से पहले तकिए या कपड़ों पर लगा लें, इंशाल्लाह अच्छी नींद आएगी। गाय के दूध में बहुत सी बीमारियों की शिफा है। फलों का जूस पीने से मैदे की गर्मी दूर होती है और जिस्म को ताकत मिलती है।